हेलो फ्रेंड्स, राधे कृष्णा। कैसे हो आप सब? तो फ्रेंड्स, आज के ब्लॉग की शुरुआत कर रही हूँ मैं इस रंग बिरंगे फुलवाड़ी से। तो ये देखिए कितने सुंदर फूल हैं। बहुत ही अच्छे लग रहे हैं ये वाइट कलर के फूल और रेड कलर के। तो ये हम जा रहे थे मंदिर, क्योंकि मेरा था फास्ट, तो रास्ते में एक घर के पास मिल गए मुझे ये फूल, तो मैंने इनको आपके लिए कैप्चर कर लिया। और फूलों के साथ साथ साइड में ये देखिए लगी हुई है गेहूं, और गेहूं बिल्कुल पकने की कगार पे आ चुकी है। अब सिर्फ टाइम है इसको काटने का। तो रास्ते में जाते टाइम हम लोगों ने बहुत सारी मस्ती की, जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो हम लोग जा रहे थे मंदिर, तो आइए मैं आज आपको बताती हूँ जहाँ पे मैं हर शनिवार को जाती हूँ। तो ये हमारे घर से थोड़ा दूर है, जैसा कि मैंने आपको ये पहले भी बताया है। तो आइए आज मैं आपको पूरा का पूरा मंदिर ही दिखा देती हूँ। तो ये है हमारा मंदिर, ये है नैना माता जी का, यहाँ पे माता जी का निवास है। तो यहाँ पे रास्ते में जाते टाइम हमने की मस्ती, और यहाँ पे मंदिर में पहुँचने के बाद मैंने कर दी अपनी पूजा पाठ शुरू। तो यहाँ मंदिर पे भी साइड में लगे हुए हैं गुलाब के फूल, जो कि बहुत ही अच्छे खिले हुए हैं। और साइड में यहाँ पे बहुत से लोग मत्था टेकने आए थे, या कुछ काम के लिए, कुछ साइड में काम वगैरह चला हुआ था, तो ये गाड़ियाँ उनकी ही हैं। तो यहाँ पे मैं कर रही हूँ पूजा पाठ। तो ये था मंदिर का दृश्य। फिर रास्ते में आते टाइम मुझे मिल गए बच्चे, जो कि बहुत ही प्यारे थे। और ये मैं आपको यहाँ पे बताती हूँ, इन बच्चों ने जो है मेरे साथ बहुत सारी बातें की। अच्छा, आपने घर जाइए डुगता है मम्मी को तेरी मम्मी को घर चली गई इतनी ना ना तुझे पूरी नहीं दूंगी यारी ना ताए आई तो मेरे और जी गल सुना रही हूँ तू सो हो रहा हो था ये आदू निकलांदा ये कहाँ निकलांदा है ये गुठिया रे पा मुआ अपनी अम्मा जी बोले ना बोले मिंजो भी कर देना छोटू एक है कर देंगी कि तू कर देंगी मिंजो अने अंदा अच्छा अंदा है चाची चली गई चाची हा अकद आन चाची आ आना नहीं आना था आए थो पर फिर चल जाना अच्छा चल भैन ठीक है ना ताली आ दूजी बारी आगे ताली आऊंगी तो सोची जी तो इनके साथ ढेर सारी गपशप करने के बाद मॉर्निंग में ले लिया था मैंने ये क्लिप, जहाँ पे मैं अपने पक्षियों को दे रही हूँ भोजन। तो यहाँ पे एक और बात मैं आपको बता दूँ कि हमारे सब्सक्राइबर ने पूछा था कि आप ये जो सूर्य देवता को जल चढ़ाते हो, तो इसका क्या कारण है या क्या फ़ायदा है। तो ये जो हम सूर्य देवता को जल चढ़ाते हैं, इससे आँखों का तेज बढ़ता है और सूर्य देवता की जो है कृपा बनी रहती है, और अच्छा काम भी है। ये बहुत ही पवित्र माना जाता है हमारे हिंदू समाज में। और ये जो सुबह मैं खाना चढ़ाती हूँ, इसका एक और कारण यह भी है कि मेरी जो दादी सासू माँ थी, उनकी डेथ को जो है 2 साल हो गए हैं। तो इनका जो है हमारे घर में डेली का रूटीन है कि सबसे पहले जो पहली रोटी बनती है तो उसको पक्षियों को देना है। ये हमारी दादी माँ की पहली रोटी है, क्योंकि हम उनको ही ये रोटी चढ़ाते हैं और
पक्षी इसको ग्रहण करते हैं। तो जब तक हमारे दादू माँ के डेथ को 5 साल तक नहीं हो जाते, तब तक हम इस खाने को चढ़ाते रहेंगे। और फिर बाद में इनका जो है पितरों से मिलन किया जाएगा, तो इसलिए हम ये खाना चढ़ाते हैं। तो ये साथ में देख लीजिए आप, मौसम सूर्य देवता जी निकल चुके हैं। और साथ में बताती हूँ मैं आज आपको बेहद ही खास काम जो मैंने किया है अपनी सासू माँ के साथ। तो यहाँ पे देखिए फसल पक चुकी है और हमारा काम हो गया शुरू, क्योंकि मम्मी जी अकेला कितना करेंगी, तो हम भी उनके साथ चल पड़े मैदान में। और यहाँ पे मम्मी जी काट रही हैं जौ की फसल, हमारे यहाँ पे इसको जौई बोलते हैं। और साथ में देख लीजिए ये बनानास के पेड़ कितने सुंदर लग रहे हैं। तो यहाँ से हम जब लग जाएंगे इसमें फल, तो हम इनको भी खाएंगे। और ये है हमारे खेत, और ये देखिए मुझे साथ में मैं भी लगी हुई हूँ, क्योंकि बड़ों का हाथ बंटाना बहुत ही अच्छा काम है, चाहे भले ही मुझे तेजी से आए चाहे नहीं। तो यहाँ पे हम लोग काट रहे हैं फसल, क्योंकि आपको पता है फसल काटने का टाइम शुरू हो चुका है। तो यहाँ पे देखिए भगदड़ मची हुई है, सास बहू में कंपटीशन लगा हुआ है। और ये क्या हुआ इधर? हमने कर लिया है लगभग, ओहो मैंने कर लिया है एक खेत साफ बिल्कुल। और मम्मी जी पता नहीं पीछे जैसे दिख रहे हैं कहीं, लेकिन लगता है कि कंपटीशन बहुत ही खतरनाक होगा। मैंने काट दिया है लगभग आधा खेत, चाहे काटा खुद मम्मी ने हो, पर बोलने के लिए तो लगभग देख लीजिए मैंने काट ही लिया है। बहुत ही तेजी से हो रहा है काम। तो यहाँ पे देखिए ये तो इधर तो मैंने सारा ही साफ कर लिया। और इनको हमने सूखने डालना है, तो ये हमने खेतों में ही डाल दिया। ये देखिए आपको इधर परछाई भी दिख रही है। तो ये है हमारे प्राणनाथ, तो प्राणनाथ ने सुखाए हैं ये। हमारे यहाँ पे इनको पुल्ले बोलते हैं, ये जो घास का छोटे छोटे बांधे हुए हैं। तो यहाँ पे देख लीजिए मम्मी जी ने सोचा कि मेरी बहू आगे निकल चुकी है, तो ये अपने औजारों को और तेज कर रहे हैं। और ये देखिए इन्होंने बोला कि अब बताती हूँ मैं तुझे। तो इस तरह से औजारों को बनाया जाता है, तेज किया जाता है। तो पत्थर पे ही लगा हुआ है काम। और देखिए इनकी धार बहुत तेज हो गई है, अब तो लगता है कि मम्मी ही फर्स्ट आएंगे। तो ये देखिए इस तरह से औजारों को तेज किया जाता है। तो ब्लॉग में बने रहिए मेरे साथ, आगे मैं बताऊंगी कि फर्स्ट कौन आया, मैं या मम्मी। तो ब्लॉग में इसी तरह से बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि आज का ब्लॉग बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। और ये देखिए ये दराटी जो है मम्मी ने मुझे दिखाई कि देख ये तेज हो चुकी है। और यहाँ पे जैसे ही हमारे औजार हो गए तेज, तो मैंने भी कोई कसर नहीं छोड़ी और मैदान बिल्कुल खाली। ये देखिए जौ के खेत से निकली हुई फसल बिल्कुल सो गई। तो फ्रेंड्स हंसी मजाक बहुत हुआ, तो इस वीडियो को अब केयरफुली देखिएगा, क्योंकि पापा जी आपको दिखा रहे हैं बहुत ही अच्छा एक नुस्खा। तो ये जो है एक पौधा है, ये क्या है ये सिर्फ खुद पापा आपको बताएंगे। तो वीडियो में बने रहिए मेरे साथ, क्योंकि आपको यहाँ पे हेल्थ से रिलेटेड बहुत ही अद्भुत टिप्स मिलेंगे। तो वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। ये प्रियंका, ये जो पेड़ है ना, इसका नाम है चिरचिट्टा बोलते हैं हिंदी में, अपा मार्ग। फिर हमारे जो हिमाचल में इसको पुटखंडा के नाम से जानते हैं इस डाली को, अच्छा ये इसकी जड़ें हैं।
ये जड़े हैं इसकी, ये कहीं भी हर जगह मिल जाता है। ऐसा नहीं कि पंजाब हरियाणा यूपी बिहार हर जगह मिलता है, झाड़ियों के साइड में कहीं भी। और गर्म इसका जो ये जो क्या बोलते हैं इसको, दाने इसमें लगते हैं जो जो कलियां हैं इस टाइप की, ये सितंबर अक्टूबर में हो गई है। आजकल नहीं, आजकल गर्मी है ना, अभी इतना है नहीं, अपन तो गर्मी में भी इसका ये हमेशा पेड़ देखो, अभी मैंने उखाड़ा तो हरा ही तो है बिल्कुल, ऐसे पत्ता इसके मिलते हैं। ये हर काम में आता है, जैसे किसी को अचानक अचानक सवेरे उठते अचानक कमर में बहुत ज़्यादा दर्द हो जाए किसी के, इतनी ज़्यादा कि भाई वो रोने के थे ना झूक सके ना वो चल फिर ना सके, बहुत दर्द होती है इसकी कमर में। तो ऐसा करिए, इस पुटकंडे का एक पत्ते लेने, ऐसे 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 ले लो पत्ते ऐसे ऐसे लेने ऐसे, और थोड़ा सा इसको कूट लेना, कूट के इसका थोड़ा सा रस, ऐसे कूटने के बाद कूट के इसको ऐसे ही पकड़ना और कमर में ऐसे रख देना इसको, कुछ नहीं करना, और बस ऐसे इसका जो रस है वो पूरा ऐसे रख देना कमर में, ऐसे ऐसे करके रख के इसको फेंक देना। जितना इसके अंदर भाप होगा कमर का, पूरे भाप को बाहर निकाल देगा, इतनी शक्ति है इस अपामार पुटकंडे के अंदर कि एक 5 मिनट के अंदर आपके कमर दर्द को खत्म कर देगा। सर्दी इलाज है, ब्लॉग में आपको नंबर दिया हुआ है, नहीं होगा तो मैं आपको सर्दी बता रहा हूँ कि इसका पूरा जितना भी जो कुछ भी होगा ये पूरे भाप से निकाल देगा और एकदम सर्कुलेशन को बना देगा आदमी के नसों में, एकदम सर्कुलेशन चल जाएगा। आपने व्हाट्सएप हर जगह में देखा होगा इसके बारे में, पुटकंडा के बारे में, परंतु कई प्रकार के बताते हैं, कोई कुछ बताता है कोई कुछ बताता है, परंतु इसका सिंपली इलाज है, कोई वो नहीं करना, मालिश नहीं करना, कुछ नहीं। चस और डिस्क का लग चीज है, सर्वाइकल लग चीज है, परंतु इस ये जो कमर का एकदम अचानक ऑटोमेटिक अचानक दर्द हो जाए किसी को तो वो है, सर्वाइकल का भी यदि यहाँ ज़्यादा भी हुआ है तब भी इसको ये लगा सकते हैं, ऐसे ऐसे ही रगड़ना है और कुछ नहीं करना, ना कोई मालिश करना कुछ नहीं, ऐसे आराम से बस इसको रगड़ देना, बस इतना सा काम है। कोई नहीं हो तो आप व्हाट्सएप नंबर है हमारा, ब्लॉग गए आप कभी भी वो कर सकते हैं। नंबर दो पर अंधविश्वास वाली बात लग गए, छोटा बच्चा होता है किसी को नज़र लग जाती है कहीं भी, ऐसे कोई ऐसे किसी की टांग हो जाती है नज़र लग जाती है, तो इसका जो ये दाना है, दाना दाने को ऐसे पुट्ठे तो होते हैं ऐसे नीचे को होते हैं पुटकंडे से ए, ए, जैसे है, इसके दाने को ऐसे वो करके आग पर रख दो, ऐसे आग पर रखना, ऐसे करके आग में इसको जला दो, बच्चे को थोड़ा सा धुआं लग जाएगा, पूरी उसकी नज़र जो टांग जो कुछ भी होगा किसी ने वो किया हो ख़त्म हो जाएगा, बच्चा बिल्कुल सुरक्षित हो जाएगा। इसके बड़े फायदे हैं, नंबर दो पर कभी भी बच्चे के इसी की जड़ को भी आप वो करेंगे जैसे जंतर बनाते हैं वैसे ही उस बच्चे के गले में डाल दें, तब भी बच्चा बच्चे को कोई नज़र नहीं लग सकती। इसकी दातुन करने से ऐसे जैसे यहाँ से है, अभी तो छोटी है, दातुन भी कर सकते हैं, उसमें कीड़ा वगैरह नहीं है, बड़ा अच्छा बहुत से फायदे हैं इसके।
और ऐसा नहीं है, बस सबसे ज़्यादा फायदा है जो मेरा प्रैक्टिकल किया हुआ है, जो मैं आपको शर्ती इलाज बता रहा हूँ, इसको कूट के ये है, जब 1-5 मिनट में दर्द से बहुत राहत मिल जाएगी। कितना बड़ा कोई भाई हो, बहन हो, बच्चा हो, बूढ़ा हो, कोई माता हो, किस प्रकार का भी दर्द हो, एनी पर डिस्क वगैरह नहीं इससे होगी, जो अचानक दर्द हो जाती है एकदम कमर में, आदमी झुकने की बॉडी और जैसे उठा सवेरे एकदम हो जाए, उसके लिए है ये। सर्कुलेशन को 5 मिनट में बना देगा, इतनी शक्ति है इसके अंदर। हमारे जो हिमाचल में कुटकंडा बोलते हैं इसको, बाकी गप्पा मार्ग इसका जो रियल है चीर चट्टा, इसका हिंदी के नाम है, ऑल इंडिया के अंदर यही नाम है इसके। कोई ये बोले कि नहीं जानते, तो हर जगह में मिल जाता है, किसी जगह में भी ये हर स्टेटों में पाया जाता है, ठीक है। तो कल एक किसने कमेंट्स डाला था, उसका कल के लिए वो दवाई का कल बताएंगे, आज के लिए इतना ही, ठीक।